किसी ने कहा कि अगर मगर काश में हूं, अगर मगर काश में हूं, खुद की मैं खुद की खुद से तलाश में हूं, अगर मगर काश में हूं, मैं खुद की खुद से तलाश में हूं। तो आप जैसे स्टूडेंट बोलेंगे, हर रोज इसी क्लास में हूं, मैं आज भी उसकी तलाश में हूं। तो दो बातें सुनिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए, दो बातें ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बोर्ड के रिजल्ट्स की बात करें, टेंथ के बोर्ड के रिजल्ट की बात करें, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, टेंथ के बोर्ड के रिजल्ट की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके परसेंटेज की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 90 और इससे प्लस परसेंटेज आया, 90 या इससे ज़्यादा परसेंट आया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 75% इसके रेंज में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका परसेंटेज लिख भी नहीं सकता मैं, ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका परसेंटेज मैं लिख भी नहीं सकता, है ना। जो बच्चे 90% या उससे ऊपर है उनके साथ ये बहुत अच्छी बात है कि जिंदगी में तुम्हारे सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है। पर ईमानदारी से मैं भी ये बात जानता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि सीबीएसई बोर्ड के अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो 90% के ऊपर लाना तुक्का भी होता है कई बार। मेरे तो तुक्के से आए थे सर, मैं सीधा बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं, है ना। तो तुक्का भी होता है सर। तो दो बातें ध्यान रखना, अगर आपके 90% से ऊपर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 30 मार्क हो। मेरे भाषा में एक लाइन हमेशा याद रखना, सीबीएसई बोर्ड में जिसके जितना ज्यादा परसेंट उतना बड़ा गधा। अच्छा तुम्हें दिल पे लग सकती है बात, पर मैं ऐसे दिल पे लगाने के लिए नहीं बोल रहा। जितना ज्यादा परसेंट उतने उतनी ज्यादा रट के एग्जाम दिया होगा, क्योंकि अबे इंग्लिश भी तो है, अबे सोशल साइंस भी तो है दोस्त, है ना। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा, हाँ बिल्कुल मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप ऐसे दिल पे ना ले, पर हाँ ऐसा होता है सर। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। बहुत बेहतरीन होगा। That's all we have.